नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी गणित, जिसमें आज आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। तो देखिए, इस प्रश्नावली के 17 सवाल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स एक फलन दिया है और वो x बराबर 0 पर सतत है। फिर बाद में आपको क्या करना है, x बराबर 1 के लिए सतत है फलन या सतत नहीं है, इसके बारे में विचार करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज यदि हम देखें, x बराबर 0 पर फलन सतत होगा तो लेमडा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, x बराबर 0 पर फलन यदि सतत है तो लैम्डा का मान क्या होगा। तो देखिए, x बराबर 0 पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, फिर 0 पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ लिमिट x सूचित करता 0 माइनस चिन्ह, क्योंकि लेफ्ट तरफ माइनस चिन्ह लिया जाता है। अब देखिए, 0 से छोटा फलन यदि हम देखें तो 0 से छोटा फलन कौन सा है, लेमडा x वर्ग माइनस 2x है। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पूरा का पूरा सवाल h के रूप में बदलते हैं। तो x बराबर a माइनस h रखते हैं, a का मतलब 0, तो 0 माइनस h रखने पर, तो देखिए जब आप 0 माइनस h रखेंगे x की जगह तो साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो जब x सूचित करता 0 माइनस था तो h सूचित करता क्या हो जाएगा, देखिए 0 आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो h का मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब देखिए आगे, यदि हम मान निकालें तो लिमिट, और फिर यहाँ पे h सूचित करता 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमने लेमडा लिखा और x के स्थान पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे 0 माइनस h रखेंगे, फिर वर्ग करेंगे, फिर माइनस 2 x के स्थान पे 0 माइनस h रखेंगे। और देखिए आगे, यदि आप सॉल्व करेंगे तो आगे हमें क्या करना होगा, मान लिमिट का रखना होगा, मतलब h का मान 0 रखेंगे। तो देखिए, जब h का मान 0 रखेंगे तो लेमडा और यहाँ पे 0 रखेंगे तो फिर पूरी संख्या 0 हो जाएगी, और फिर यहाँ पे माइनस 2 और h का मान क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे भी 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0, और लेमडा इंटू 0 करेंगे तो पूरा मान क्या आ जाएगा, 0। अब हम x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने लिखा x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात की जाएगी, लिमिट x सूचित करता 0, प्लस का चिन्ह लगाते हैं जब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, और 0 से बड़ा फलन यदि हम देखें तो कितना है, 4x प्लस 1 है। अब हम क्या करेंगे, x को h में बदलेंगे। तो देखिए, जब राइट हैंड लिमिट की बात होती है तो a प्लस h रखते हैं, मतलब 0 प्लस h रखेंगे x का मान, और साथ ही साथ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब x सूचित करता था 0 प्लस को, तो देखिए h सूचित किसे करेगा, फिर 0 को, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे यदि x का मान, तो फिर देखिए h का मान क्या मिल जाएगा, 0। और आगे यदि हम मान निकालेंगे तो देखिए, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब h सूचित करता 0 हो जाएगा, 4, x का मान कितना रखेंगे आप, 0 प्लस h रखेंगे, फिर प्लस 1। और देखिए, यदि हम इसमें लिमिट का मान रख देते हैं, मतलब h का मान 0 रखते हैं, तो देखिए यहाँ 4, 0 प्लस 0 हो जाएगा प्लस 1, तो देखिए यहाँ तो 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 1, मतलब यहाँ पे आंसर कितना आया, 1 आया। तो देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 आया, राइट हैंड लिमिट का मान 1 आया है। तो देखिए, हमने लिखा है यहाँ x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए, जब x बराबर 0 पर दोनों बराबर नहीं है तो x बराबर 0 पर फलन सतत ही नहीं हो सकता। तो देखिए, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं होगा। तो सतत नहीं होगा तो लैम्डा का मान कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता फिर। तो देखिए, हमने लिखा आता है लैम्डा के किसी भी मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। इसके बाद देखिए, सवाल में आगे कहा गया था x बराबर 1 पर इसके सातत्य की जांच करना है या विचार करना है।
तो अब हम चेक करेंगे x बराबर एक पर फलन सतत है या नहीं है। तो देखिए जब x बराबर एक की बात करेंगे तो हमें एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी होगी। और यहाँ पे देखिए जीरो के लिए तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट पता है लेकिन एक के लिए तो है नहीं। तो x बराबर एक के लिए फलन देखें तो यहाँ जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा मतलब 0.5 1 2 3 4 5 इन सब के लिए फलन क्या होगा 4x+1। तो जब हम x बराबर 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो यही फलन लेंगे और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तब भी यही फलन लेंगे और यदि हमें f 1 का मान ज्ञात करना होगा तब भी हम यही फलन लेंगे। तो देखिए अब हम x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे तो कैसे लिमिट x सूचित करता है एक माइनस का चिन्ह और हमने बताया आपको फलन लेना है आपको 4x+1 लेना है और यदि देखा जाए तो x के रूप में है। अब हम इसे h के रूप में बदलेंगे तो x बराबर a माइनस h रखते हैं a का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस h रखने पर तो साथ ही साथ यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो देखिए जब x सूचित करता था एक को एक माइनस को तो देखिए h सूचित किसे करेगा फिर एक रखेंगे यहाँ तो एक से एक कट जाएगा h सूचित करेगा फिर जीरो को और यहाँ पे आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिर क्या आएगा लिमिट आ जाएगा और इसके स्थान पे आएगा एच सूचित करता जीरो और फिर चार एक्स के स्थान पे आएगा एक माइनस एच और फिर प्लस का एक। अब देखिए आगे आप लिमिट अप्लाई यदि कर देते हैं मतलब एच का मान जीरो रख देते हैं तो चार एक माइनस जीरो होगा प्लस एक और आगे आप सॉल्व करेंगे तो चार एकम चार और एक जोड़ेंगे तो कितना आ गया है पांच आ चुका है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मान तो हमने याद कर लिया है अब हम एक्स बराबर एक पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात की जाएगी लिमिट एक्स सूचित करता एक प्लस पर राइट हैंड लिमिट और हमने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड के लिए फलन था वही राइट हैंड के लिए भी फलन होगा 4x+1। अब देखिए सवाल x में है आपको h के रूप में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे राइट हैंड लिमिट में a प्लस h रखेंगे a का मान 1 है तो 1 प्लस h रखने पर x बराबर रखते हैं 1 प्लस h तो देखिए लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब x सूचित कर रहा था 1 प्लस को तो देखिए h सूचित करने लगेगा फिर 0 को क्योंकि 1 रखेंगे 1 और 1 अलग हो जाएगा h सूचित करने लगेगा 0 को। अब देखिए आगे यदि आप मान निकालेंगे तो फिर लिमिट इसके स्थान पे आएगा h सूचित करता 0 और यहाँ 4 x का मान कितना आएगा 1 प्लस h आएगा फिर प्लस का 1 आगे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ 4 1 प्लस एच का मान कितना आएगा फिर 0 आएगा और फिर यहाँ पे प्लस 1 था तो प्लस 1 लिखा। देखिए आगे 4 एकम 4 प्लस 1 और यहाँ पे भी 5 तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ चुके हैं। अब हम फलन का मान ज्ञात करेंगे मतलब अब हम एक्स बराबर एक पर अब हम x बराबर 1 पर क्या ज्ञात करेंगे f a a का मान है 1 तो f 1 ज्ञात करेंगे तो x बराबर 1 के लिए भी हमने यही फलन बताया था तो 4x का मान 1 रखेंगे प्लस 1 तो यहाँ भी 4 प्लस 1 मतलब यहाँ भी 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान और राइट हैंड लिमिट का मान जे आपस में क्या है बराबर हैं और यह बराबर है एफ एक के मतलब तीनों चीजें बराबर हैं अतः हम कह सकते हैं एक्स बराबर एक पर दिया गया फलन सतत है अतः एक्स बराबर एक पर दिया गया फलन सतत है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए 19वां सवाल है दर्शाइए कि एक फलन जी एक्स दिया गया है एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स द्वारा परिभाषित जो फलन है वो समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। इस बार हमें असतत फलन को सिद्ध करना है और यहाँ आप ब्रैकेट x के बारे में जानते हैं जो कि महत्तम पूर्णांक फलन होता है जो कि या तो x के बराबर होता है या फिर x से कम होता है।
मतलब यदि हम बात करें, यदि हमने यहां पे 1 लिखा तो देखिए 1 आ जाएगा, मतलब x x के बराबर आ जाएगा। यदि हमने 1.001 लिखा तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो देखिए यहां पे केवल पूर्णांक का आंसर होता है, मतलब दशमलव के बाद वाली संख्याओं को छोड़ देता है। यदि 1.999 लिखें तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब महत्तम पूर्णांक जो यहाँ पे पूर्णांक होगा वह आंसर आ जाएगा, इसलिए इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। तो देखिए या तो वही का वही मान होता है या फिर उससे कम होता है, तो कहा गया है या तो x के बराबर है या फिर x से कम है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जो फलन दिया गया है वो हमने लिखा, तो देखिए यहाँ हमें असतत सिद्ध करना है, और असतत सिद्ध करने के लिए कोई तो हमारे पास पूर्णांक होना चाहिए। तो मान के चलते हैं हम कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब देखिए x बराबर a पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो हमने लिखा इसीलिए x बराबर a पर अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात की जाएगी, लिमिट x सूचित करता a माइनस लिखेंगे, और देखिए यहाँ लेफ्ट के लिए तो कोई फलन है ही नहीं, ना ही राइट के लिए है, तो यही फलन लेना होगा। तो x माइनस ब्रैकेट x, अब देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, फिर हम x वाले सवाल को h के रूप में बदलेंगे, तो फिर हमें क्या करना होगा, x बराबर a माइनस h रखना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h रखते हैं। तो देखिए यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x सूचित करता है a माइनस को, तो देखिए h सूचित किसे करेगा, यदि x का मान a रखेंगे इसे कट जाएगा, h सूचित करेगा 0 को। तो देखिए आगे हमें क्या मिलेगा, लिमिट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा h सूचित करता 0, देखिए x के स्थान पे क्या आ जाएगा, a माइनस h आएगा, और फिर माइनस चिन्ह लगा के यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर x था, x के स्थान पे a माइनस h आ जाएगा। अब देखिए हमें a माइनस h का मान रखना होगा, तो देखिए a माइनस h का मान क्या होगा, आपको पता है h का मान बिल्कुल 0 के नजदीक है, मतलब 0.0 दे, ध्यान देना h का मान 0.0001 बिल्कुल 0 के नजदीक है, लेकिन फिक्स 0 नहीं होता है, तो h का मान बहुत छोटा होता है, देखे ना बहुत छोटा लेकिन 0 के नजदीक होता है। अब ध्यान देना, जैसे हमें a माइनस h चाहिए तो a माइनस h का मान क्या आएगा निकाले हम, तो ध्यान देना जैसे हमने कहा 8-0.0001, अब ध्यान देना 8 में से यदि आप घटाएंगे तो 7.999 ऐसा कुछ आपका बचा रहेगा, और इसका ब्रैकेट यदि आप निकालेंगे तो 7 आएगा, मतलब कहने का अर्थ है a माइनस h का यदि ब्रैकेट निकालते हैं तो कितना आता है, a का a नहीं आता है, a में से एक कम आता है, जैसे यहाँ 8 का 8 तो नहीं आया 7 आया ना, तो वैसे ही हम कहेंगे a माइनस h का जो ब्रैकेट होता है वो कितना होता है, a माइनस 1 होता है। तो देखिए इस ब्रैकेट के स्थान पे हम कितना लिख देंगे, a माइनस 1 लिख देंगे, तो देखिए a माइनस 1 लिखा है, अब जी कोष्टक बनाया जी ब्रैकेट नहीं है। देखिए अब यदि आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब h का मान 0 रख देते हैं, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, a माइनस 0 यहाँ पे मिलेगा माइनस चिन्ह, और देखिए यहाँ पे a माइनस 1 है, और देखिए यहाँ पे यदि आप सॉल्व करेंगे तो a से कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 1 मिल जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें कितना आंसर मिला है, 1 मिला है। अब देखिए हम x बराबर a पर जो हमने पूर्णांक लिया था इस पर अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो देखिए राइट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात की जाएगी, लिमिट x सूचित करता a प्लस लिखेंगे, और देखिए यहाँ राइट के लिए भी कोई फलन नहीं है, तो यही का यही फलन हमें लेना होगा, x माइनस ब्रैकेट x, और ध्यान देना अब हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट का मान ज्ञात करना चाहते हैं,
तो x बराबर a प्लस एच रखना होगा, तो x बराबर a प्लस एच रखने पर तो देखिए यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x सूचित करता था a प्लस को तो देखिए यहाँ a रखेंगे तो a से कट जाएगा, h सूचित करने लगेगा फिर जीरो को, और आगे यदि आप मान निकालेंगे तो देखिए लिमिट, और फिर यहाँ पे हो जाएगा h सूचित करता जीरो, x का मान कितना रख रहे हैं a प्लस एच रखा हमने, फिर माइनस चिन्ह, और देखिए ब्रैकेट के अंदर भी हमें रखना है ए प्लस एच। अब आपको पता होना चाहिए ए प्लस एच का मान कितना होगा, तो देखिए अभी हमने माइनस के लिए बताया था, प्लस के लिए देखें तो यहां प्लस यहां भी प्लस समझ लीजिए, आठ में जब इतनी संख्या आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8.0001 हो जाएगा, और इसका मान निकालेंगे तो आठ का आठ ही आएगा पूर्णांक, मतलब a प्लस एच का मान a ही हो जाएगा, तो फिर इसका मान हम क्या रखेंगे a रखेंगे। तो देखिए हमने a प्लस एच लिखा, माइनस चिन्ह, इसका मान कितना रखा है a रखा है। आगे देखिए यदि आप कोष्टक खोलेंगे तो यहां से देखिए a से कट जाएगा, केवल h बचा होगा, और फिर यदि आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले क्या बचा होगा, लिमिट h सूचित करता है जीरो, और यहाँ h बचा होगा। आप देखिए यदि आप h का मान जीरो रख देंगे तो पूरा आंसर यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का मान एक आया जबकि राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया है जीरो, दोनों बराबर नहीं है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ एक्स बराबर है जो धनात्मक पूर्णांक था उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के लिए, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन था वो x बराबर a पर सतत नहीं है, सतत नहीं है मतलब असतत है, और यही हमें दर्शाना था। तो इस प्रकार से 19वां सवाल कंप्लीट हुआ। इसके बाद 20वां सवाल, क्या fx जो फलन दिया गया है x बराबर पाई पर सतत है या नहीं है, हमें चेक करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा दिया है, हमें एक फलन fx दिया गया है, अब हम x बराबर पाई पर चेक करेंगे। तो देखिए इसीलिए हम x बराबर पाई पर पहले तो ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो देखिए x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम ज्ञात करें तो देखिए लिमिट x सूचित करता पाई, पाई के ऊपर माइनस चिन्ह लगा देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, और देखिए यहाँ पे पाई के लेफ्ट में तो कोई फलन है ही नहीं, तो यही का यही फलन हमें लेना होगा x वर्ग माइनस साइन x प्लस 5, और देखिए यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे h के रूप में बदलना चाहेंगे, तो x बराबर a माइनस h रखेंगे, a का मान पाई है तो पाई माइनस h रखने पर तो देखिए यहाँ लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब x सूचित करता पाई माइनस की ओर था तो फिर देखिए एच सूचित करने लगेगा, फिर यदि पाई रखेंगे पाई पाई कट जाएगा, एच सूचित करेगा जीरो को, और आगे देखिए लिमिट यहां पे क्या आ जाएगा, एच सूचित करता जीरो आ जाएगा, एक्स वर्ग एक्स का मान आ जाएगा, पाई माइनस एच का वर्ग आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, और फिर एक्स के स्थान पे पाई माइनस एच आ जाएगा, फिर प्लस का 5 था। अब देखिए यदि आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे पाई माइनस एच मतलब पाई माइनस जीरो का वर्ग आएगा, फिर देखिए माइनस चिन्ह साइन, यहाँ पे पाई माइनस जीरो आ जाएगा, और फिर प्लस के 5, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पाई माइनस जीरो का वर्ग मतलब यहाँ पे आएगा फिर पाई वर्ग, और यहाँ पे माइनस चिन्ह और यहाँ पे साइन पाई आ जाएगा, और फिर आएगा यहाँ पे प्लस 5, और आगे यदि आप करेंगे तो देखिए यहाँ पाई वर्ग साइन पाई मतलब साइन 180, साइन 180 का मान जीरो होता है तो देखिए यहाँ जीरो आएगा, फिर प्लस 5, और आगे आप लिखेंगे तो देखिए पाई वर्ग प्लस 5 हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए हम x बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, तो x बराबर पाई पर अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, लिमिट x सूचित करता पाई और प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और राइट के लिए भी कोई फलन नहीं है तो यही का यही हमें फलन लेना होगा, x वर्ग माइनस साइन x
प्लस 5, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एच के रूप में बदलेंगे, तो x बराबर a प्लस h रखना होगा, मतलब हम पाई प्लस h रखेंगे x का मान, तो साथ में लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x का मान जो है पाई था, तो देखिए h का मान फिर क्या हो जाएगा, देखिए पाई रखेंगे, पाई पाई अलग हो जाएंगे, h का मान जीरो को सूचित करने लगेगा, यहाँ पे देखिए फिर लिमिट, और यह क्या हो जाएगा, h सूचित करता जीरो हो जाएगा, x के स्थान पे पाई प्लस h रखेंगे, पाई प्लस h आ जाएगा यहाँ, फिर वर्ग, फिर माइनस साइन, यहाँ भी आ जाएगा पाई प्लस एच आ जाएगा, फिर प्लस का 5 था। और आगे देखिए, यदि आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे एच का मान जीरो आएगा, तो फिर पाई प्लस जीरो का वर्ग आएगा, फिर माइनस साइन, और यहाँ पाई प्लस जीरो आएगा, फिर प्लस का 5 आएगा। और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो पाई वर्ग आ जाएगा, माइनस का साइन पाई आ जाएगा, और फिर प्लस का 5 आएगा, और साइन पाई मतलब आपको पता है साइन पाई का मान जीरो होता है, जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पाई वर्ग प्लस 5। तो देख सकते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो दोनों बराबर आ चुकी हैं। अब हम ज्ञात करेंगे एफ का मान, मतलब फलन का मान, एफ ए का मान, तो अब हम एक्स बराबर पाई पर एफ पाई ज्ञात करेंगे, तो देखिए पाई रखना होगा जो फलन हमें दिया गया है, तो देखिए जो फलन हमें दिया गया था इसमें एक्स के स्थान पे पाई रखेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन पाई का मान जीरो होता है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो पाई वर्ग प्लस 5 यहां भी आंसर आया। तो देख सकते हैं तीनों मान आपस में बराबर आ चुके हैं। तो देखिए हमने लिखा यहाँ x बराबर पाई पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f पाई तीनों आपस में बराबर आ चुके हैं, और यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तो फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है, अतः x बराबर पाई पर दिया गया फलन सतत है। तो इस प्रकार से 20वां सवाल भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।